हाय एवरीवन मैं हूँ शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स कभी कभी आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि जब आप डिपार्टमेंट जा रहे हैं आप कोई सही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं बट डिपार्टमेंट के ऑफिसर समझ नहीं रहे आपकी कोई चीज़ बहुत ही अपेरेंटली क्लियर है कि सही है आप बता रहे हो कि सर ये सही है देखो मैंने आपको दे दिया बट वो मान ही नहीं रहे वो कहते नहीं मुझे नहीं माना तो नहीं माना कई बार ऐसे गुस्सा आता है आपको आपको लगता है कि यार मतलब हम गलती करें तो उसकी पनिश पनिशमेंट है हमारे लिए पेनल्टीज़ लगती हैं प्रोसिक्यूशन इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है अरेस्ट लेकिन डिपार्टमेंट अगर वो हम पे गलत तरीके से कोई भी डिमांड निकाल दें या वो हम पे गलत तरीके से कुछ भी रिकवरी कर लें तो उनके खिलाफ कभी कोई एक्शन होता है काफ़ी सारे जजमेंट्स वैसे पहले भी ऐसे रहे हैं जहाँ पे जजेस ने डाटा है डिपार्टमेंट के लोगों को कभी उन पर छोटे मोटे फ़ाइन या पेनल्टीज़ भी लगाए हैं लेकिन आज जो जजमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो ऐसा जजमेंट है जहाँ पे 50 लाख रुपीस इम्पोज़ किए गए डिपार्टमेंट ऑफिसर्स पे इसलिए क्योंकि उन्होंने उस केस को बिना किसी बेसिस के बना रखा था और जो क्लाइंट ने सबमिशन दी थी उनको उन्होंने देखा ही नहीं और जिस बिलीव पे उन्होंने वो केस बनाया था आपको हमेशा एक कंसेप्ट होती है रीज़न टू बिलीव यानी कि जब हम कोई एक्शन किसी के खिलाफ लेते हैं तो उसके लिए एक रीज़न टू बिलीव होना चाहिए और रीज़न टू बिलीव कोई कुछ भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि डाउट मियर डाउट नहीं होना चाहिए रीज़न टू बिलीव मिस देर शुड बी ए सॉलिड रीज़न टू बिलीव कि हाँ मतलब इसने ये किया मेरे पास ही रीज़न था कुछ मुझे इन्फॉमेसन मिली थी कुछ मेरे पास बुक्स थी या कुछ मेरे पास डेटा था कुछ बेसिस था जिसके बेसिस पे मुझे लगा कि हाँ इस तरीके कुछ हो रखा है जैसे इनकम टैक्स में इनकम स्केपिंग असेसमेंट होती है या जीएसटी के अंदर भी कोई पेनल्टी कंसेप्ट एक तरीके से सेम ही है दोनों के अंदर तो हमें भी कई बार लगता है कि मतलब डिपार्टमेंट की भी कुछ बेसिस तो होनी चाहिए ना कुछ इंपोज़ कर रहे हैं तो तो यहाँ पे वही जो सारे के सारे डिपार्टमेंट ऑफिसर्स हैं उनको ये ध्यान दिलाया कोर्ट ने कि आप ऐसे ही किसी के अगेंस्ट बहुत बड़ी डिमांड खड़ी नहीं कर सकते हैं आपको अगर डिमांड खड़ी करनी है देर शुड बी सम रीजनेबल बेसिस सम ग्राउंड सम बिलीफ कुछ होना चाहिए आपके हाथ में मटेरियल तब आप ये चीज बोलो और वो ग्राउंड एकदम फेक या एकदम रेकलेस नहीं होना चाहिए इट शुड बी अ साउंड इट शुड बी अ सॉलिड ग्राउंड तो पहले भी कुछ कुछ केसेस ऐसे रह सके परेश नाथा लाल चौहान के केस में गुजरात हाई कोर्ट में हर्षा देवानी जो जज में है उन्होंने काफ़ी डाटा था डिपार्टमेंट के लोगों को क्योंकि उन्होंने अननेसेसरी सात दिन तक वो टैक्स पेयर के घर पे रहे थे सिर्फ उसकी स्टेटमेंट लेने के लिए उसको समन भेज के बुलाने की बजाय वो लोग खुद वहाँ पर जाके सात दिन तक रहे इसी तरीके के एक रिसेंट जजमेंट यूपी का था जहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे मांगे जा रहे थे जिनकी जरूरत नहीं थी और रजिस्ट्रेशन दे नहीं रहे थे तब भी कोर्ट ने डाटा था कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना लीजिए हम सबको बताया आज के रजिस्ट्रेशन में कई बार कितनी प्रॉब्लम आती है जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है कोई जरूरत नहीं है वो भी आपसे अन डिमांड की जाती है वरना ना बोलते चलिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा तो ये जिस केस की आज बात कर रही हूँ दिस केस इज एस आर कोल्ड स्टोरेज वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस में पेनल्टी पहले मैं आपको डिमांड बताती हूँ कितने 90 की सोलह करोड़ नब्बे लाख रुपए की डिमांड रेज कर दी गई थी क्लाइंट के ऊपर सोलह करोड़ नेचुरल सी बात है कि आप अगर अपील में भी जाओगे ऐसी डिमांड के खिलाफ तो आपको पहले प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा तो एक फाइनेंशियल बर्डन तो आप पे आया ना कोई टैक्स पेयर जिसकी मान लीजिए उतनी टर्न भी नहीं है जिसके पास उतने पैसे नहीं हो अनेसेसरी टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट डिपॉजिट कराए पहले और उसके बाद आगे प्रोसिक्यूशन में जाए अननेसेसरी उसके ऊपर आपने एक प्रेशर डाला कि उसको एक लीगल प्रोसीडिंग के अंदर जाना पड़ा डेफिनेटली लीगल प्रोसीडिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव आपको लॉयर की कोर्स बी करनी पड़ती है अपने स्टाफ को जो वो सब प्रिपरेशन करते हैं सबमिशंस करते हैं उसकी जो एक कोर्स है वो प्लस एक मेंटल टेंशन की इतनी बड़ी डिमांड है तो क्या अरेस्ट भी हो सकता है ऐसे में तो है ना तो वो एक मेंटल प्रेशर उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि आपने एक तो जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है यानी कि हर इंसान को सुने जाने का हक होता है आपकी अगेंस्ट अगर मैं कोई एलिगेशन लगा रही हूं तो हमेशा आपको एक अधिकार मिलना चाहिए अपनी बात रखने का अपनी बात कहने का इसीलिए हमेशा आप देखना टैक्सेशन लॉ के अंदर भी शोक नोटिस पहले इशू किया जाता है नोटिस के अगेंस्ट आप आगे अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हो कि सर आपने नोटिस इशू किया जिसको हम लोग कारण बताओ नोटिस भी कहते हैं कि भाई कारण तुम बताओ कि हम तुम पे इतनी पेनल्टी क्यों ना लगा दे या हम क्यों ना मान मानने कि तुमने इतना गलत किया तो आपको यानी कि पहले बुलाया जाता है कि तुम बताओ अपना पक्ष रखो सामने तो उसके लिए भी उन्होंने परमिशन नहीं दी जबकि ऑलरेडी कोर्ट्स वगैरह ये चीज़ बोल चुके हैं और प्रोविजन में भी है कि आपको जो है ऑनलाइन यानी कि वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप अपनी बात रख सकते हो तो उसकी उन्होंने उनको परमिशन नहीं दी और सिर्फ एक दिन का टाइम दिया तो ये सारी की सारी चीज़ें कई बार हेरासमेंट वाली चीज़ें नॉर्मल केसेज में भी होती है केवल जीएसटी के अंदर भी ऐसा होता है कि जो डिपार्टमेंट है वो सुनता नहीं है कई बार बहुत जल्दी करते हैं आपकी डीवी सबमिशन को ध्यान नहीं रखते तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं तो अब आप ये वाला केस कोर्ट करके डिपार्टमेंट लेवल पर उनको समझा सकते हैं क्योंकि ये एक आई विल से एक प्रेसिडेंट है जहाँ पे ऑफिसर को भी समझ में आएगा कि आप ऐसे ही किसी को परेशान नहीं करते रह सकते एंड यू शुड ऑल्सो भी हैविंग अ रीजनेबल ग्राउंड तभी आप इस तरह की कोई प्रोसीडिंग किसी अगेंस्ट कर सकते हो आई होप ये केस टैक्सपेयर के लिए तो अच्छा रहेगा और डिपार्टमेंट ऑफिसर्स के लिए भी एक लेसन का काम करेगा कि आप थोड़ा होमवर्क करके तब आगे कोई भी नोटिस भेजना है कोई भी प्रोसीडिंग चलानी है तो चलाएं इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज़ कर रही हूँ थैंक यू सो मच ऐरीवान